बहन बच्चों, चलिए जो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय पति में जो निरूपण पढ़े थे, यानी अंकन पति और निरूपण हम लोग पढ़े थे, है ना। अंकन पति और निरूपण पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, है ना, मंथन भी कर रहे होंगे, हम आशा करते हैं। अब चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, है ना, कि अंकों का निरूपण कितने तरह से किया जाता है। अंकों का, है ना, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंकों का निरूपण, है ना, अंकों का निरूपण, अंकों का निरूपण, न्यूमरेशन ऑफ न्यूमरल्स, लिख सकते हम लोग न्यूमरेशन ऑफ न्यूमरल्स, है ना। अंकों का निरूपण कितने, अंकों का निरूपण कितने तरह से किया जाता है, किया जाता है। हमारा क्वेश्चन बन रहा है अंकों का निरूपण कितने तरह से किया जाता है, कितने मैंने करने की विधि क्या है, कितने तरह से किया जाता है, तो दो तरह से, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अंकों का निरूपण, है ना, न्यूमरेशन, है ना, न्यूमरेशन ऑफ न्यूमरल्स कितने तरह से किया, है ना, किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि अंकों का निरूपण, अंकों का निरूपण, अंकों का निरूपण दो तरह से, है ना, दो तरह से किया जाता है, किया जाता है। पहला, अंकों का निरूपण दो तरह से किया जाता है, एगो राष्ट्रीय पति, एगो अंतरराष्ट्रीय पति। पहला क्या है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति, राष्ट्रीय अंकन पद्धति, राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ, है ना, लोग क्या कहेंगे, जो हम लोग का के थे दो विधि से है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पहला है राष्ट्रीय अंकन पद्धति, तो क्या है, नेशनल, नेशनल सॉरी इंडियन, हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय अंकन पद्धति, नेशनल सिस्टम, और हम लोग राष्ट्रीय अंकन पद्धति पढ़े थे, नेशनल, है ना, नेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन। दूसरा है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंकन मतलब दो तरह से लिखा जाता है, एगो राष्ट्रीय पद्धति, एगो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन, है ना। इसको ठीक से लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय अंकन पद्धति, नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, है ना। तो दो को माने दो रूप में किया जाता है। सवाल यही था कि अंकों का माने, अंकों का निरूपण माने कौन तरह से किया जाए, माने अंक का निरूपण कौन तरह से, माने कौन तरह से लिखा जा सकेगा। तो अंकों का निरूपण दो तरह से किया जाए, कौन कौन, एगो राष्ट्रीय अंकन पद्धति, एगो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, एगो नेशनल सिस्टम से लिखा जाला, एगो इंटरनेशनल सिस्टम लिखा जाला। एक अंग्रेजी में नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो दो तरह से हमन के लिख सकेला जा, है ना, अक्षर से, अंक मग में अक्षर से, तो हम पढ़बे कर जा। अच्छा, एक बाद देख लेते हमन के राष्ट्रीय पद्धति, है ना, एक बाद तो हमन के पहले पहलका जो बा राष्ट्रीय अंकन पद्धति, तो ओकरा के बढ़िया से याद कर लेके बा, कैसे याद करेगा, ध्यान से देखेगा, है ना। तो हम लिखा तारी के समझे के अच्छा से, है ना, ओकरा के अच्छा से समझे के बा, हम चल तनी, है ना, या एक ले तनी, है ना, दो तीन चार पांच,
अब कह बोलो कि काहे के लिखतनी बताई कहे लिखतनी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ध्यान दिया लो नजर आता नू तो एक दो मैंने तीन गो इकाई दहाई सैकड़ा है ना इकाई दहाई सैकड़ा तीन के रहला इकाई दहाई सैकड़ा वन मैंने वन अगर चार्ट बनाए खोई मैंने नेशनल सिस्टम के चार्ट बनाए खोई तो मैं तीन के रहला वन समय वाला है ना तो ये क्या लिख दिया एक लिख दिया हमने क्या लिख दिया इकाई का पढ़ करके इकाई का पढ़ इकाई पर का होला इकाई पर 10^5 0 होला इकाई पर मैंने पर 0 होला फिर है क्या कहाई दहाई का कहाई दहाई दहाई पर का होला 1 0 होला है ना सैकड़ा का जे सैकड़ा का निकल जाए और सही याद कर लगवा है ना बढ़िया से इकाई दहाई इकाई पर 0 दहाई पर 1 और सैकड़ा पर 2 अच्छा इसे भी याद हो जाए एक बार इकाई दहाई सैकड़ा आ जाते हैं जा हजार है ना हजार तो हजार पर कहो 3 0 हजार पर 3 0 फिर हजार जाइए वो एमे 2 अंक बाद पहले का कमा होला 3 अंक बाद पहला कमा 3 अंक बाद कह कि एक मामला वंश आर 1000 ओ है ना 10 मैं 1000 10000 एक में हजार 10000 हो गए हजार हजार 10000 क्या लिखा जी 10000 का कौन से याद कर लेगा 10000 पर का हो जाए 4 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार था लाख लाख 10 लाख है ना लाख 10 लाख है तो लाख लाख पर कौन 0 हो जाए तो लाख पर 5 0 हो जाए 10 लाख का हो जाए 10 लाख बढ़िया से याद कर ले वैसे लिखता नहीं है ना 10 लाख पर 6 0 10 लाख पर 6 0 सब कुछ हो जाता है ना इकाई को नस्ल बात तो 1 बा दहाई को बात तो 2 बा सैकड़ा को बात तो 3 बा हजार को बात तो 4 बा 4 बा 10000 को बा है ना 10000 5 बा ध्यान दियो ऐसे लिखा था यही चलते कि ताकि सब कुछ याद रहे पूछ दी कोई पूछ दी कि 10 लाख पर कब 0 बा तो 6 गो है ना हो गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख है ना करोड़ 10 करोड़ क्या जाए करोड़ है ना करोड़ पका गो 7 गो फिर 10 करोड़ फिर लिखा जाए 10 करोड़ एक बढ़िया से स्क्रीन शॉट करके ले ले बा आइया रखे बा है ना 8 गो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब है ना अरब 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 कौन स्थान पर होता अरब 10वां स्थान पर होता ध्यान दिया तो पका गो 0 9 गो 0 10 अरब कति अरब 10 अरब का लिख लीजिए 10 अरब 10 अरब पका गो हो जाए 0 11 गो 0 कब 0 हो जाए 11 गो है ना सॉरी 10 गो हो जाए कब हो जाए 0 10 गो 0 हो जाए अच्छा अब आ जा अरब 10 अरब खरब कहिए खरब और के बाद खरब खरब फिर है 10 खरब है ना कह जाए 10 खरब 10 खरब तो खरब पर कब 0 हो जाए 10 पर 11 हो जाए आहे पर कब हो जाए 12 हो जाए है ना और अब 10 खरब अच्छा एकरा बाद आओ जाओ है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब है ना 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील क्या जा नील क्या जी नील नील पका गई हो जी तो 12 तो 13 हो जाए है ना 10 नील है ना कहते 10 नील ये पका गई हो जाए तो 14 हो जाए है ना याद रखे बा अब पदम 10 पदम पदम 10 पदम कोई पदम कहला पदम
पदम पक हो जाए 15 को जोड़े, कौन जी 15 को 10 पदम है ना, 10 पदम, 10 पदम ए पक्का हो जाए 16 को जोड़े हो जाए, हो गए 10 पदम। शंख एक बार, शंख 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 पक्का जो हो जाए 17 को जोड़े, 10 शंख, 10 शंख इतने के है ना, 10 शंख आ जाए, 10 शंख, 10 शंख, 10 शंख पक्का जीरो हो जाए 18 को, आई महासंघ का हो जाए महासंघ, महासंघ पक्का जीरो हो जाए, महासंघ पक्का जीरो हो जाए 19 को कको। तो हम क्या देख रहे हैं, ये देखा था यहाँ 10 संघ वो जना दिखा देते रहे है, ये 10 संघ, 10 संघ पक्का को जीरो, 18 को जीरो, महासंघ पर 19 को, महासंघ पर 19 को, सब बता दे फिर से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा है ना, लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब है ना, नील दस नील, पदुम दस पदुम है ना, संघ दस संघ महासंघ। अब देखो तो एक पहले का स्थान पर इकाई बा एक गो जीरो, दहाई पर दू गो जीरो, सैकड़ा पर तीन गो जीरो, सॉरी सैकड़ा पर दू गो जीरो, दहाई पर एक गो जीरो, ध्यान देखा इकाई पर जीरो मतलब एक वाला, अच्छा दहाई पर एक गो जीरो, सैकड़ा पर दू गो जीरो, हजार पर तीन गो जीरो, दस हजार पर चार गो, लाख पर पांच गो, दस लाख पर छह गो जीरो है ना, करोड़ पर सात गो जीरो, दस करोड़ पर आठ गो, अरब पर नौ गो, दस अरब पर दस गो, खरब पर ग्यारह गो जीरो, दस खरब पर बारह गो जीरो, नील पर 13 गो जीरो, दस नील पर 14 गो जीरो है ना, पदम पर 15 जीरो, दस पदम पर 16 जीरो, संघ पर 17 जीरो है ना, आ दस संघ पर 18 जीरो, आ महासंघ पर 19 को जीरो। तो समझ लेको बढ़े से एक याद कर लेको बा, यह राष्ट्रीय पति का है, यह राष्ट्रीय अंकन पद्धति का है, यह राष्ट्रीय अंकन पद्धति का है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति है ना, नेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ नोमिनेशन है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति है, एकरा के याद करने के बाद देखा बढ़े से कैसे कैसे लिखल बा सब कुछ भाई में, कौना स्थान पर इकाई बा तो पहला स्थान पर बा, कौना इकाई कौना स्थान पर दहाई बा तो दूसरा स्थान बा, और केहू पूछ दी कि बीसवा स्थान पर का बा तो महासंघ बा, उन्नीसवा स्थान पर का बा तो दस संघ बा, केहू पूछ दी चौदह स्थान पर का बा तो ध्यान दे जैसे लेके आया देखा नील बा, चौदह स्थान पर का बा नील बा, पंद्रहवा स्थान पर का बा तो दस नील बा, और एकरा आगे भी होला संख्या अंत्या महांत्या है ना, मध्या पराद अश्वनी महाश्वनी, तो ओकरा के बाद में जान जाए, पहले हमने कितना महासंघ में जाना जाओ, पहले आज हमने के महासंघ तक राष्ट्रीय पति में जाना जाओ, ओकरे बाद कभी फेन एक पर चर्चा उठली, तो हमने के जान जाए कि मध्य का होला, पराद का होला, अंत्य का होला, आ महाश्वनी है ना का होला, एक समझ लीजिए। तो आज हमने के इतना, जय हिंद जय भारत।